तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी भाटनगर। जैसा कि वीडियो के टाइटल में देख के आप सब लोगों को पता ही चल चुका होगा कि आज मैं किस कंट्री के वीज़ा के टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वेस्टर्न अफ्रीका में एक छोटा सा देश है बुर्किना फासो। बताऊँगा बुर्किना फासो कहाँ है, इस कंट्री का ओवरव्यू दूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि इस कंट्री में अगर आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो या बिजनेस वीज़ा हो, तो कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट रहती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होता है, फ़ीस कितनी लगती है, और मैं आपको बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप हेल्पफुल हो सकती हैं आपके नेक्स्ट ट्रिप प्लान करने में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर। बुर्किना फासो एक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में है और ये बॉर्डर्स करता है आपका माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट के साथ ही इसकी बॉर्डरिंग पड़ती है। जैसे आपको बताया कि मैंने ये लैंडलॉक कंट्री है, जो प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो फ्रेंच है। इसकी कैपिटल है वागाडोगो, ठीक है। उसके बाद जो अदर्स रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है उसमें मोसी है आपका, बीसा, दुयुलू, फूला, इस टाइप के कुछ ट्राइबल्स लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एथनिसिटी ग्रुप की बात करें तो प्रिडोमिनेंटली मौसी ग्रुप सबसे ज़्यादा रहता है, एक्टिव है, जो कि 52% का कंट्रीब्यूशन करता है इस कंट्री में। और उसके बाद फिर फॉलोइंग बाय फूला, गुमा, बोबो, गुरुंसी, उसके बाद सनफुलू, लोबी, तुआंग, दुयुला, तो इस टाइप के कुछ एथनिक कम्युनिटी ग्रुप्स वहाँ पे पाए जाते हैं। अब मैं अगर रिलीजन्स की बात करूँ तो जो प्रिडोमिनेंटली जो उसका रिलीजन है वो 63% इस्लाम है, फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद अदर फेथ को जो मानने वाले लोग हैं उनका है, ठीक है। और गवर्नमेंट की यहाँ पे जो बात की जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंट्री में, तो यूनिलैटरल स्टेट है बट अंडर मिलिट्री जनता है, मतलब इस आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो कंट्रोल रहता है वो वहाँ पे मिलिट्री का ही रहता है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2020 की जनसंख्या के हिसाब से 21 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि करीब बनती है और 2,19,00,000 लोग यहाँ पे इस कंट्री में रहते हैं। जीडीपी के मामले में 58.8 बिलियन की है जीडीपी की कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्री की अगर करेंसी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीकन सीफी है, फ्रैंक चलती है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो भारत का 1 रुपया अगर जो आप देंगे तो आपको 7.5 रुपये ये वेस्टर्न फ्रैंक आपको मिलेंगे, तो अपर ही है, मतलब अप्रिशिएटेड है, राइट। तो ये कुछ था आपका ओवरव्यू बुर्किना फासो के बारे में। अब आपको बताता हूँ कि इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ क्या है, तो चलिए वीज़ा पॉलिसी की तरफ। बुर्किना फासो की अगर जो वीज़ा पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो बुर्किना फासो कंट्री को जो देता है वो दो सेक्शन में है। फर्स्ट एक होता है वीज़ा फ्री, दूसरा है वीज़ा ऑन अराइवल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वीज़ा एग्जम्पशन किन के लिए है, तो उनमें से 19 देश आते हैं जिनके लिए अगर जो बुर्किना फासो जाता है तो उनके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अगर मैं वीज़ा ऑन अराइवल की बात करूं तो वीज़ा ऑन अराइवल का रहता है कि यह 51 नेशनल्स को देते हैं, 1 मंथ की वैलिडिटी रहती है और जो इनका जो कॉस्टिंग रहता है वीज़ा ऑन अराइवल का वो 94,000 सीएफए फ्रैंक कह सकते हैं। अगर मैं यूरो में बात करूं तो 143.30 यूरो रहता है और ये सिंगल एंट्री का भी रहता है 3 मंथ के लिए। अगर जो आप मल्टीपल इसको रहना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 185.99 यूरो। अगर मैं इसकी लोकल करेंसी की बात करूं तो 1,22,000 आपको सीएफए करने होंगे, जो आपके मल्टीपल एंट्री का रहेगा और मैक्सिमम इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 मंथ की रहेगी। अगर जो मैं ट्रांजिट विदाउट अ वीज़ा की बात करूं तो जो साउथ अफ्रीका के नेशंस हैं उन नेशनलिटी के लिए ट्रांजिट वीज़ा के लिए वीज़ा चाहिए होता है, वीज़ा ऑन प्रायोरिटी चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल। अदर नेशनलिटी के लिए क्या रहता है कि अगर जो आपको थर्ड कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा आपके पास वीज़ा है या आपके पास टिकट है तो आपको 24 आवर्स के लिए बुर्किना फासो में ट्रांजिट वीज़ा फ्री मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जो बुर्किना फासो की पासपोर्ट की बात की जाए स्टैंड की, तो ये स्टैंड करता है 87 इन टर्म्स ऑफ जो ट्रैवल फ्रीडम अकॉर्डिंग का जो इंडेक्स रहता है हैनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, ये 87 की रैंकिंग में आता है। और यहाँ के सिटीजन्स को 57 कंट्रीज एंड टेरिटरी में या तो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इंडियंस को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है टूरिस्ट वीज़ा पाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए। अगर कोई आपका पुराना पासपोर्ट भी है तो उसे भी आप साथ में रखें ड्यूरिंग एप्लीकेशन।
फिर आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए होगा जो वीज़ा के लिए कर सकते हो। अगर मैं डेप्थ मेजरमेंट बात करूँ तो 35x45 mm का ही स्टैंडर्ड चलता है और 80% आपको उसमें फेस विजिबल होना चाहिए। अगर कोई स्पेक्स वगैरह लगाते हो तो उसको निकाल के फोटो खिंचाए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए एयर टिकट आने और जाने दोनों साइड का कंफर्म करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है ये शो करने के लिए कि आप फाइनेंशियली कितने साउंड हैं, उस कंट्री में विजिट करने जा रहे हैं तो कितना फंड है। अमूमन अगर आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए भी अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं तो इनफ होते हैं आपकी ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आपका एक होटल वाउचर, होटल वाउचर का मतलब होता है कि होटल कन्फर्मेशन होना चाहिए कि आप इस कंट्री में जा रहे हैं, इन इन जगहों पर घूमोगे और इन इन सिटीज़ में आपका होटल कन्फर्म्ड है, राइट। उसके बाद आपका क्या रहता है कि देखिए टूरिस्ट वीज़ा का जो बताया, बट एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि बुर्किना फासो का टूरिस्ट वीज़ा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वीज़ा आता है, इस पर डिपेंड्स ऑन वैलिडिटी। अगर जो आप लेते हैं 6 मंथ के वैलिडिटी वाला तो उसके लिए आपको अराउंड अबाउट 5,000 रुपीज़ पे करने होंगे सिंगल एंट्री के लिए, जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ और स्टे आप उसमें 1 मंथ कर सकते हैं। फिर उसी सेक्शन में आता है कि अगर जो आप 1 मंथ स्टे करना चाहते हैं बट 12 मंथ की वैलिडिटी वाला चाहते हैं तो उसके लिए करीब आपको 7 से लेकर 8,000 रुपये पे करने होंगे। अब वहीं अगर जो आप मल्टीपल एंट्री वाला चाहते हैं नॉर्मल वीज़ा, तो जिसकी वैलिडिटी होगी 3 महीने की, अब स्टे कर सकते हैं 1 मंथ, तो उसके लिए आपको करीब देने होंगे 7,500 रुपये। फिर आती है कि 6 मंथ के वैलिडिटी वाले मल्टीपल में 1 मंथ का अगेन वैलिड करना चाहते हैं मल्टीपल में, तो उसके लिए 8,000 देने पड़ेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बट सब इतना ध्यान रखिए कि आपने अगर जो शॉर्ट टर्म्स वाला ले लिया है तो वो 5,000 रुपये का आएगा, अगर जो आप लॉन्गर ड्यूरेशन पे जाते हैं तो वो 8,000 रुपये का जाएगा मल्टीपल एंट्री के केस में। सिंगल वाले का जो मैक्सिमम वैलिडिटी वो 12 मंथ का वैलिड रहता है और 6 मंथ वाला भी वैलिड रहता है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी वैलिडिटी वाला वीज़ा अप्लाई करना है बुर्किना फासो के लिए। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, और आपको विजिट करना है बुर्किना फासो के एम्बेसी में जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ पे जाकर के आप अपना टोकन लेंगे, अपना अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कराएंगे और दिए हुए टाइम पे अपॉइंटमेंट पे आप सारी फाइल लेके जाइए और इस तरीके से आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, आपका चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या बिज़नेस वीज़ा हो।